इन 10 बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया करीना कपूर ने। किसी की तो शुरू कर दी थी शूटिंग। आइए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको 10 ऐसी हिट फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसे बेबो ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में इन फिल्मों ने कमाल कर दिया। रामलीला में रणवीर के ऑपोजिट करीना पहली पसंद थी। करीना ने फिल्म के कुछ सीन भी शूट कर लिए थे लेकिन बाद में उन्हें ये सीन छोड़ना पड़ा और उनकी जगह दीपिका ने ले ली। कहो ना प्यार है मैं सोनिया की भूमिका सबसे पहले करीना कपूर ने ही निभाई थी, जो शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद फिल्म से बाहर हो गई। फिर उनकी जगह न्यू कमर अमीषा पटेल को ले लिया मेकर्स ने और कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर साबित हुई। संजय लीला भंसाली हम दिल दे चुके सनम में करीना कपूर को कास्ट करना चाहते थे लेकिन किसी कारण बात नहीं बन पाई और ऐश्वर्या राय बच्चन को ले लिया गया। फिर फिल्म ने क्या कमाल किया वो तो बताने की जरूरत नहीं। करीना ने कल हो ना हो को भी मना कर दिया था। खबर ऐसी थी कि फिल्म में नैना का किरदार पहले करीना करने वाली थी लेकिन उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। कारण ये था कि जितना रेम्यूनरेशन करीना को फिल्म के लिए मिल रही थी इससे वो खुश नहीं थी और दूसरा कारण ये निकला था कि करीना चाहती थी कि करण खुद फिल्म को डायरेक्ट करे और उन्हें उस समय निखिल अडवाणी के डायरेक्शन पर भरोसा नहीं था। किसी भी तरह करीना का फैसला करण को पसंद नहीं आया और दोनों के बीच दूरियां आ गई। क्वीन, बिल्कुल हाँ आपने सही सुना, क्वीन की पहली पसंद कंगना नहीं करीना ही थी लेकिन उन्होंने इसे भी नकार दिया था। इसका कारण क्या था उसका तो खुलासा नहीं हो सका। करीना ने ब्लैक को भी रिजेक्ट कर दिया था। आपको याद दिला दे कि ब्लैक ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और टाइम्स मैगजीन द्वारा दुनिया भर में उस साल की 10 सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल किया गया था। बेबो ने दिल धड़कने दो को भी मना कर दिया था। ये फिल्म उन्होंने क्यों नहीं की इस बारे में बताते हुए एक बार उन्होंने कहा था, ये मेरा नुकसान है क्योंकि मैं जोया से प्यार करती हूँ लेकिन उसकी फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकी, मैं उसके साथ काम करने के लिए मर रही हूँ। इंशाल्लाह ये आखिरी फिल्म नहीं है जो वो बनाने जा रही है और ये आखिरी फिल्म भी नहीं है जो करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। आगे भी बहुत पड़ी है जिंदगी, जब भी उनके पास मेरे लिए कोई भूमिका होगी मैं जरूर करूँगी। चर्चा थी कि करीना कपूर को रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस मिलने वाली थी लेकिन उन्होंने डेट इश्यूज के कारण इस फिल्म को मना कर दिया। लेकिन जब फिल्म शुरू होने से पहले रोहित से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था, मैंने वास्तव में करीना कपूर से संपर्क नहीं किया है, वो जानती है कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं करीना के साथ कुछ और भी कर सकता हूँ। सैफ की दुल्हनिया ने शुद्धि को भी छोड़ दिया था। इस बात पर बॉलीवुड का बाजार खूब गर्म भी हुआ था और एक इंटरव्यू में इसको लेकर करीना ने कहा था, मैंने शुद्धि छोड़ दी है, अब मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं इसे लेकर बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, इससे मुझे अपने लिए और छुट्टियों के लिए अधिक समय मिलता है, मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं अब रिले मैराथन नहीं दौड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि प्रेस इस बारे में इतनी बड़ी बात क्यों कर रही है।
प्रियंका की फिल्म फैशन में भी पहले करीना ही नजर आने वाली थी, लेकिन करीना ने इसे भी नकार दिया था। तो कुछ ये 10 बड़ी फिल्में थी जो पहले करीना के नाम होने वाली थी, लेकिन किसी और के नसीब लग गई। वैसे कुछ फिल्में न करने पर करीना ने एक बार कहा था, अगर मैं किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो मुझे ऐसा न करने में खुशी होगी। मैं घर पर आराम करना और किताब पढ़ना या कुछ और करना पसंद करूंगी, और ये एक ऐसी नीति है जिस पर मैं कायम रहूंगी। लोगों को जो कहना है कहने दो या लिखने दो। भाई बेबो तो बिंदास है। वैसे क्या लगता है आपको, इनमें से किस फिल्म में करीना को होना ही चाहिए था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।